जी जी। तो उसमें जो उनकी हवालात में जो उनका समय बीता है राजेश सिंह का वो समय है 48 घंटे से भी ज्यादा का तो क्यों नहीं उस राजेश सिंह के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है क्यों मेरे, नहीं मेरे सकते... कल में मेरे कल में फोन पे नहीं बात की जा सकती है जी ऐसे ऐसे मामले में ये जो दिस इश्यू इज अंडर इन्वेस्टिगेशन जी ये, ये सबजुडिश भी है सब सबजुडिश भी है तो इसमें मैं कोई अगर आपको आ, इस पर दू अच्छा नहीं रहेगा फोन पे अच्छा नहीं रहेगा तो अभी मिले मिले मिलिए तो मैं आपसे सारा बताऊंगा डिपार्टमेंट फॉर फर्दर एक्शन अभी आपको लोग सुन रहे हैं अभी है। लाइव जा तो रहा है प्रोग्राम इसमें ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ कारण तो बताए ना क्यों नहीं क्यों नहीं ये देखें आप ये डायरेक्टर थे फिशरीज डिपार्टमेंट के और फ़ोन काट दिया गया है जवाब क्योंकि है नहीं कार्रवाई अब देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाजहम डेंग आज बात करेंगे हम कास्टिज़म पे और जिस तरह से कास्टिज़्म जो है इक्कीसवीं सदी चल रही है अभी भी जो है लोगों के जहनों में हावी हो रहा है और आज जो हम चर्चा करेंगे वो एक महिला से जुड़ी हुई है जिस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े सेमिनार्स किए जाते हैं बहुत सारी एड्स जो हैं वो चलाई जाती हैं करोड़ों रुपया जो है एड्स पे ख़र्चा किया जाता है लेकिन ग्राउंड लेवल पे वैसा कुछ दिखता नहीं है एक महिला जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का पद उन्होंने हासिल किया और 2014 से उनको जो है क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं तो उनको उनका उसका जो हरजाना है वहाँ पे भी भुगतना पड़ रहा है और कोई और नहीं अपना ही साथी इंस्पेक्टर राजेश सिंह नामक व्यक्ति 2014 से उनको जो है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करने के कारण और जो अपने आप को वो उच्च जाति के समझते हैं मानते हैं वो उनको नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश जो है वो करते हैं करते आ रहे हैं और सेक्सुअल हरासमेंट तक की जो बात है वो सामने निकल के आई है इन मुहतरमा द्वारा जो असिस्टेंट डायरेक्टर जम्मू फिशरीज़ डिपार्टमेंट की है इनके द्वारा काफ़ी बार जो है अपने डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं उनके संज्ञान में भी ये मामला लाया गया कि राजेश सिंह जो इंस्पेक्टर फिशरीज़ डिपार्टमेंट के हैं उनके द्वारा उनको किस तरह से जो मैसेजेस किए जा रहे हैं या उनको जो कास्ट पे जो है उनको बताया जा रहा है कि आप नहीं हो आप इस तरह से हो ये है वो है आप कैसे हम पे राज कर सकते हो यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकती हो इस तरह की दिक्कतों का परेशानियों का उनको जो है सामना करना पड़ा और 2014 चौदह के बाद जब उन्होंने अपने जो उच्च अधिकारी थे उनसे बात की और कोई संज्ञान लेता हुआ ना देख तंग हार कर उन्होंने नगरोटा थाना के अंतर्गत जो है छब्बीस आठ 2021 को जो है एक एफआईआर दर्ज की जो एफआईआर दर्ज जो हुई है वो हुई है तीन सौ 2021 दो और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है राजेश सिंह को जो है पुलिस अरेस्ट करती है तीन बजकर दस मिनट पे शाम के समय और जम्मू कश्मीर की जो अदालत है उसने राजेश सिंह को ज़मानत पे जो है वो रिहा किया और ज़मानत दे दी गई ज़मानत दी गई है 28 आठ 2021 को और मैडम जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ जम्मू हैं उनके द्वारा जो है ये जानकारी जब एफआईआर दर्ज नगरोटा में करवाई गई ये जानकारी अपने डिपार्टमेंट को भी जो है दी गई और पुलिस के द्वारा भी जो है उनके डिपार्टमेंट में ये जानकारी जो है वो भेजी गई और डिपार्टमेंट को भेजी गई ताकि डिपार्टमेंट के संज्ञान में जो है ये बात आ जाए कि जो ये राजेश सिंह जो कि इंस्पेक्टर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के इनको तीन बज के दस मिनट पर जो है पुलिस स्टेशन नगरोटा में गिरफ्तार कर लिया गया है और स्क्रीन पे आप एफआईआर नंबर और एफर की कॉपी जो है वो साफ़ तौर पे देख सकते हैं और उसके बाद उनको जो ज़मानत मिलती है वो मिलती है उनको 28 आठ 2021 को अम्फला जेल से वो रिहा होते हैं और उनकी रिहाई का जो समय है वो बताया जाता है चार बज के बीस मिनट पर और इस 26 तारीख़ से ले कर अट्ठाईस आठ 2021 तक चार बजकर बीस मिनट तक उनके जो समय उनका बीतता है हवालात के अंदर वो बीतता है लगभग उनचास घंटे से भी ज़्यादा का अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारा कानून हमारी कानून में ये साफ़ तौर पे लिखा गया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट 48 घंटे से 48 घंटे तक जो है हवालात में रहता है तब तक उसको सस्पेंड रखा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन जो उसका डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जब तक कि वो उस केस से बरी ना हो जाए लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट को बार बार वाजिया करने के बाद पुलिस के द्वारा भी नोटिस जाने के बाद भी कितने बजे उसको गिरफ़्तार किया गया है और जो उसका जो रिलीज़िंग टाइम है उसको जो एक बहाना बना के जो डिपार्टमेंट है वो डिले कर रहा है कि जो रिलीजिंग टाइम है उसका 48 घंटे पूरा नहीं हुआ है या हुआ है उसका जो है अभी तक पता लगाया जा रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 28 आठ को वो शख्स जो इस तरह की हरकतों में मिलावस था जिसके ख़िलाफ़ एफआईआर लगती है वो शख्स उनचास घंटे से भी ज़्यादा जो है आ, हवालात में रहता है उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट जो है आनाकानी कर रहा है आखिर इसके पीछे के कारण क्या हैं और महिला जो है वो लगातार जो है पीड़ित हो रही है और पीड़ित हो भी क्यों ना क्योंकि जिसके खिलाफ 2014 से वो लड़ रही है एक संघर्ष कर रही है आखिर में उनको जो है पुलिस का जो है सहयोग लेना पड़ता है और पुलिस जो है वो सहयोग करती भी है लेकिन अपने ही डिपार्टमेंट के जो उच्च अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो जो आरोपी है उसको बचाती हुई नज़र आ रही है और अभी तक जो है इसमें जो सस्पेंशन होना चाहिए था उस अधिकारी का राजेश सिंह इंस्पेक्टर फिशरीज़ डिपार्टमेंट वो सस्पेंशन जो है वो अभी तक नहीं हुआ है और डिपार्टमेंट के पास जो एक्सक्यूज़ था वो था कि इनका जो 48 घंटे का समय है वो हमें पता नहीं है कि पूरा हुआ है या नहीं हुआ है और ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम हैं इनके द्वारा एक आरटीआई लगाई जाती है और आर में जो है एस जेल अंफला से ये जानकारी मांगी जाती है ये सवाल पूछा जाता है कि आप हमें बताएं ये जो राजेश सिंह जो इंस्पेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट के हैं इनका रिलीजिंग टाइम क्या था क्या है तो वहाँ से जो उनको जवाब आता है वो भी आप अपनी स्क्रीनस पे देख रहे हैं आरटीआई का जो जवाब जो आया है अंबिला जेल एसपी के द्वारा जो उनको लिखित में भेजा गया है वह जवाब ये है कि चार बज के बीस मिनट पे जो है उनको रिलीज़ किया गया है अमफला जेल से अब ये समय आप जो है अगर इसको जोड़ेंगे तो ये लगभग उनचास घंटे से भी ज़्यादा का बनता है और ये जो आरटीआई का जवाब है ये भी मैडम के द्वारा जो है उच्च अधिकारियों को फिशरीज़ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया ताकि डिपार्टमेंट की आंखें खुलें कि कितना समय वो जेल में रहे और डिपार्टमेंट को ख़ुद से ही जो है वहाँ पे उनको कार्रवाई करने चाहिए थी हालांकि मैडम जो है अभी तक ये लंबा संघर्ष जो है उनके द्वारा जारी है और वो इस संघर्ष को जो है कोर्ट में भी लड़ रही हैं और अभी काम करते समय भी जो है वो इन सब बातों का जो है वो सामना कर रही हैं कि वो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक वाक्य जो है वो सामने आ रहा है और क्या कारण है कि फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो इस राजेश सिंह जो कि इंस्पेक्टर है फिशरीज़ डिपार्टमेंट में इसको बचाने की जो है वो कोशिश कर रहा है क्यों नहीं अगर कानून ये कहता है कानून की किताब में ये लिखा हुआ है कि आप चाहे कि किसी भी डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी हैं आप अगर 48 घंटे जेल में रहते हैं आपको तब तक सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक आप उस केस से बरी नहीं हो जाते तो क्या कारण है कि डिपार्टमेंट अपनी आंखें मूंदे हुए है इसके पीछे और कौन लोग हैं जो उस आरोपी का साथ दे रहे हैं हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है वो डायरेक्टर फिशरीज़ डिपार्टमेंट के ज, से हो जाए और उनसे हम जानने की कोशिश करें आखिर क्या कारण है क्यों नहीं अभी तक जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है जो कानून की किताब में लिखा गया है और इसमें जो वुमेंस जो कमीशन दिल्ली की है उसने भी जो है वो सा लिया है और उन्होंने भी जो है वुमेन्स कमीशन दिल्ली द्वारा जो है डिपार्टमेंट के ये संज्ञान में लाया गया है कि उस आरोपी के ख़िलाफ़ जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की जाए लेकिन हो सकता है कि कुछ मजबूरियां हो डिपार्टमेंट की उन्हीं मजबूरियों का हम थोड़ा सा पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या दिक्कतें हैं कहाँ पर उनको दिक्कत आ रही है क्यों नहीं वो एक इंस्पेक्टर फिशीज डिपार्टमेंट का जो है जिस जो उनचास घंटे से ज़्यादा हवालात में रहता है उसके खिलाफ अगर सस्पेंशन जो है वो बनती है कानून की किताब ये कहती है कि उसके खिलाफ सस्पेंशन बनती है क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया जा रहा है हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है डायरेक्टर फिशरीज़ डिपार्टमेंट की के जो है उनसे हो जाए हेलो हेलो सर सलामकुम सर अरफाज डैंगर्स अर्ज कर रहा हूँ न्यूज शायर इंडिया से मीडिया से जी विषय सर आ, हमारे पास एक मामला आया है जिसमें फिशरीज डिपार्टमेंट की जो असिस्टेंट डायरेक्टर मुहतरमा हैं अनुबाला जी उनके द्वारा जो एक एफ आई आर दर्ज करवाई गई है नगरोटा थाना में राजेश सिंह नामक जो इंस्पेक्टर हैं फिशरीज डिपार्टमेंट के उनके खिलाफ जी तो उसमें जो उनकी हवालात में जो उनका समय बीता है राजेश सिंह का वो समय है उनचास घंटे से भी ज्यादा का तो क्यों नहीं उस राजेश सिंह के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है क्यों नहीं मेरे ख्याल में, में फोन पे नहीं बात की जा सकती है जी ऐसे ऐसे मामले में ये ये जो इन्वेस्टिगेशन जी भी भी है है तो इसमें मैं कोई अगर आपको आ, इस पे प्रतिक्रिया दू, वो अच्छा नहीं रहेगा फोन पे अच्छा नहीं रहेगा तो अभी तो मिलिए 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 तो मैं आपसे सारा बताऊंगा डिपार्टमेंट फॉर फर्दर एक्शन अभी आपको लोग सुन रहे हैं अभी लाइव जा रहा है इसमें मैं ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ मच कारण तो बताए ना क्यों नहीं क्यों नहीं ये देखें आप ये डायरेक्टर थे फिशरीज़ डिपार्टमेंट के और फ़ोन काट दिया गया है जवाब क्योंकि है नहीं कार्रवाई कुछ की नहीं है और हम फिर भी कोशिश करेंगे कि इसके बाद भी अगर ये हमसे मिलना चाहें डिपार्टमेंट की तरफ से अपना जवाब देना चाहें ये दें और हम इनसे मिलने की कोशिश भी करेंगे फिलहाल इनके द्वारा जो ये बात कही गई है वो सब आप तक पहुंच चुकी है और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ इन उच्च जाति वालों के द्वारा जो इन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों के साथ जो इस तरह के वादातें सामने आती हैं जो सख्त कानून भी बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत जो है नगरोटा थाना के अंतर्गत जो है एफ भी दर्ज हुई है और डिपार्टमेंट के ही लोग अपने ही डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी क्या कारण है इतना कितना कनेक्शंस मजबूत हैं उस शख्स के जिसको पूरी पूरा डिपार्टमेंट बचाने की कोशिश कर रहा है पुलिस ने अपना काम कर दिया एफ दर्ज कर दी कोर्ट में केस चल रहा है लेकिन डिपार्टमेंट अपना काम करने से क्यों चूक रहा है इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज सैर इंडिया मैर फाजमा डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ